नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। अभी हम उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ उजियारपुर के राजद के नेता हैं, राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानेंगे, चूंकि उजियारपुर लोकसभा में अभी त्रिकोणीय चुनाव चल रहा है, काफ़ी ज़ोर शोर से तीन प्रत्याशी का नाम आ रहा है। एक हैं बीजेपी के नित्यानंद राय, दूसरे आरजेडी से आलोक मेहता है, तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी अमरेश राय का नाम जोरों से चल रहा है। तो इनका परिचय जानेंगे और जानेंगे किस तरह का चुनाव क्षेत्र में माहौल है। तो स्वागत है आपका परफेक्ट 24 न्यूज़ में। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं राजद प्रखंड अध्यक्ष उप प्रमुख उजियारपुर। अभी लोकसभा चुनाव का दौर जोरों से चल रहा है, प्रचार प्रसार जोर से चल रहा है, त्रिकोणीय चुनाव देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना इसे लेकर? कहीं कोई त्रिकोणीय नहीं है। आलोक कुमार मेहता महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह एक नंबर में लालटेन है, वो ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। इसका कारण कि दो टर्म नित्यानंद राय रहे और झूठी वादे जो मोदी जी के द्वारा किया गया, वह वादा खिलाफी जनता आज दिखने में आ रहा है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक इतिहास बनेगा उजियारपुर में और आलोक कुमार मेहता इतिहास के तरह पूरे बिहार में नंबर वन वोटों से जीतेंगे। एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं अमरेश राय, वो कहते हैं कि राजद से बगावत करके हम चुनावी मैदान में उतरे हैं, चूंकि हमें आलोक मेहता पसंद नहीं है, क्या कुछ कहना उनकी इस बात को लेकर? निश्चित तौर पे मैं अमरेश जी को, ये नहीं कि मैं अमरेश जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात तय है कि जब वोट गिनती होगा तो मेरा कहना है कि उनका हजारों में वोट नहीं होगा, कहीं कोई चर्चा भी नहीं है। इसलिए कि सीधा बीजेपी के खिलाफ में आज जो महागठबंधन का बात छिड़ा हुआ है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और जो 19 में वादा किया गया था तमाम तरह के 15 लाख 14 में 1 करोड़ योजना, जनधन योजना, गैस सिलेंडर पर कहा गया था उस समय में 450 मिल रहा था, आधा दाम में मिलेगा, 1200 तक चला गया, वह अभी 900 में मिल रहा है। तो महंगाई का जो मार है खाद्य पदार्थ पर, ये आम आवाम दलित शोषित वंचित तमाम लोग जूझ रहे हैं गरीबी से। गरीब बोले थे मोदी जी कि हम गरीबी को समाप्त कर देंगे, लेकिन आज गरीबी समाप्त होने जा रहा है। 5 किलो चावल से कुछ होने वाला नहीं है समाज में शोषित वंचित पढ़े लिखे। क्या लग रहा है यहाँ पर रोकना चाहेंगे? 5 किलो जो फ्री अनाज की बात मोदी जी कर रहे हैं, एक तरफ अनाज तो दे रहे हैं लेकिन किसानों के जो GST का है, किसान को कृषि यंत्र देते हैं, उस पर सब्सिडी देते हैं, उस पर GST कहीं ना कहीं एक बड़ी बोझ के रूप में डालते हैं, क्या कुछ कहना प्रधानमंत्री के GST? निश्चित तौर पर उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि हम जो सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल में बिहार सरकार और स्टेट कर सरकार में टैक्स लिया जा रहा है, मैं एक ही पर काम चलाऊंगा, और 60 रुपये जो डीजल या और पेट्रोल मिल रहा था 50-60, उसका दाम 30 और 40 होगा, वह दोनों आज तक समाप्त नहीं हुआ। जो टैक्स लिया जा रहा है GST का मार, क्या पेट्रोल और डीजल 100 रुपया चला गया, लेकिन आज देख लीजिए GST लगाने से तेल हो, दलहन हो, तेलन हो, तमाम समस्याएं हैं। ये जो मजदूर वर्ग के हैं, जो खुरपी चलाने वाले, भैंस चलाने वाले, भेड़ चलाने वाले, उनसे भी टैक्स लिया जा रहा है, ये तो नाइंसाफी है। इसी की मार मोदी जी को झेलना पड़ रहा। क्या आपकी सरकार बनती है तो GST समाप्त करेंगे? निश्चित तौर पे जो खाद्य पदार्थ है, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे GST जो खाद्य पदार्थ पर है वो समाप्त होगा, आम आवाम को इससे फायदा होगा। जो तेल और दाल है 150-200 रुपये किलो मिल रहे हैं, GST हटने से पुनः 100 रुपये मिलेगा और जनता त्राईमास से बचेगी। अंत में जो भी मतदाता हैं RJD के हों या अन्य दल के हों, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी 2014 से लेके 19 तक जो बातें किए, हम लोग मंदिर मस्जिद में बट रहे हैं, जब हमारा देश गुलाम था उस समय में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हमें आपस में है भाई भाई, तमाम लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर के देश आज़ाद कराए थे। आज 2024 में तमाम धर्म के लोग, जाति के लोग, मजहब के लोग वही बात पर एक साथ हैं, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, महंगाई समाप्त करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उजियारपुर लोकसभा, उजियारपुर विधानसभा का, अपना नाम तो सुना ही होगा, तो उजियारपुर छोटा सा एक प्रखंड है, उनके प्रखंड अध्यक्ष और RJD नेता। धन्यवाद, बने रहिए इस तरह से परफेक्ट 24 न्यूज़ के साथ।